किसानों की हत्या चलेगी, थानाशाही नहीं चलेगी। अरे जमीन हमारी आपकी, ऋतु महेश्वरी देखो जी, जो बन पड़ेगा सो करेंगे अपने हक के लिए, सांसद का हो चाहे किसी का भी हो, हम मानने वाले हैं नहीं। अरे हमारी पीड़ा है, हमारे घर हमारे नहीं होने चाहिए क्या? हमारे घरों पे हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? हमारे घर पे नोएडा प्राधिकार अधिकार क्यों है? अरे एक भाई को 10%, दूसरे भाई को 5% प्लॉट दे रहे हैं, क्या मतलब? ये न्याय है क्या? ये अन्याय है और हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे धर्म की। तीसरी बात, हम कहते हैं भैया नक्सलीति गांवों में व्यवहारिक नहीं है। एक तो नोएडा नाम दर्ज हुए पड़े हैं, अगर कोई नक्शा पास कराना चाहे तो भी नक्शा नहीं पास करा सकता। तीसरी बात भैया, हम कह रहे हैं कि गांवों में नक्सलीति व्यवहारिक नहीं है, कहीं बहस बन रही है, कहीं खोर बन रही है, हमारे रहने का सर ढंग कुछ अलग तरह से है। ये काम ये आप हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे और आप हमारा हक दे दो, बस आपसे इतनी गुजारिश है। आश्वासन दिया है, 8 तारीख को बैठेंगे जी आपके साथ में और आपकी समस्या को निस्तारण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता। बैठ जाओ, चुप चुप बैठ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। अभी सुनो, अरे ध्यान से सुनो, अरे कोई 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 देखिए कुछ लोग ये साइड में खुलवा दीजिए, एम्बुलेंस और कुछ बच्चों के एग्जाम कह लो। इस नोएडा में आए हुए हो गए, 1 नवंबर 1982 को मैं इस नोएडा शहर में आया था। 39 साल के इस सफर में
एक मास्टर का किसान का